वार्ड महासंघ के फाउंडर मेंबर भी रह चुके हैं, यानी कि जब वार्ड महासंघ का गठन हुआ था उनका मेंबर यानी कि संस्थापक मेंबर भी रह चुके हैं। 2022 को महाधरना का आयोजन किए हैं। महाधरना हम इतना जरूर कहेंगे कि जो भी दरभंगा के वार्ड सदस्य संघ के साथियों होंगे वे इनके दरभंगा साइड के जितने भी वार्ड सदस्य संघ है, चाहे उसके अगल बगल जिला के जितने भी वार्ड सदस्य संघ है जो इनके नजदीकी में पड़ते हैं, वे लोग वहां पे जरूर पहुंचे और सीखने का प्रतिक्रिया करते हैं। और जब तक एक दूसरे से नहीं सीखिएगा तब तक आपको जो है ना अंदर में इस प्रकार के जज्बा। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेज कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिये, आज हम आपको बात करेंगे कि वार्ड सदस्य दरभंगा के यानी कि राजीव कुमार मणि जिनके बारे में हम आपको बात करेंगे। राजीव कुमार मणि जी के द्वारा यानी कि वार्ड सदस्य के हक और अधिकार के लिए समय समय पर 2016 से इन्होंने संघर्ष किए हैं। 2016 से लेकर के अभी 2022 तक इन्होंने लगातार अपना संघर्ष जारी किया है। और इनके द्वारा जो है ना यानी कि दरभंगा में वार्ड महासंघ के, और एक बात जान लीजिए, वार्ड महासंघ के ये फाउंडर मेंबर भी रह चुके हैं, यानी कि जब वार्ड महासंघ का गठन हुआ था उनका मेंबर यानी कि संस्थापक मेंबर भी रह चुके हैं। और इस बैनर के तले इन्होंने वार्ड यानी कि वार्ड सदस्य दरभंगा के हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे, इसका विश्वास दिलाते हुए यानी कि 1 सितंबर 2022 को महाधरना का आयोजन किए हैं। महाधरना हम इतना जरूर कहेंगे कि जो भी दरभंगा के वार्ड सदस्य संघ के साथियों होंगे वे इनके साथ 1 सितंबर 2022 को धरना स्थल पे, जो इनका धरना का स्थल का नाम है पोलो ग्राउंड है, जान लीजिए ये बहुत ही अनोखे तरीके से और बहुत ही बड़े सूझबूझ के साथ यह धरना का आयोजन किया गया है, जिसमें यानी कि लहरिया सराय से होते हुए समाहरणालय जहां पे डीएम साहेब, डीडीसी साहेब और उसके साथ साथ यानी कि एसडीएम साहब सब बैठे होते हैं, वहां पर यह धरना यानी कि मार्च करते हुए का मतलब पैदल चलते हुए और फिर से पोलो ग्राउंड में पहुंचेंगे। सभी साथी जो वार्ड दरभंगा के जितने भी वार्ड सदस्य संघ है, अलग अलग संघ से जुड़े हुए हैं, सभी लोग जा करके राजीव कुमार मणि जी का साथ जरूर दीजिए, क्योंकि इन्होंने जो है वार्ड सदस्य संघ के साथियों के लिए समय समय पर ज्वलंत मुद्दा हो, चाहे किसी भी प्रकार से मुद्दा हो, डीएम साहब से लड़ना हुआ, चाहे डीडीसी साहब से लड़ना हुआ, यानी कि बीडीओ साहब से लड़ना हुआ, इन सभी लोगों से लड़ करके और इन्होंने वार्ड सदस्य संघ के साथियों को जो है ना, जान लीजिए सबसे पहला अगर किसी भी संघर्ष के अगर जिला के नाम हम लेंगे ना तो सीतामढ़ी है, और सीतामढ़ी के बाद दूसरा ऐसा जिला है दरभंगा, और दरभंगा में सब लोगों का नेतृत्व करने का काम शुरू से लेकर के आज तक राजीव कुमार मणि जी ने किए हैं, जो कि फाउंडर मेंबर है वार्ड महासंघ के। और वार्ड महासंघ के नहीं, जितने भी अलग अलग संघ के साथी, हम इतना जरूर कहेंगे कि आप राजीव कुमार मणि जी का जरूर साथ दीजिए। एक तारीख के जो है ना इनका जो है ना यानी कि फ्लैग मार्च करते हुए जो है ना यह धरना है, यह धरना को सफल बनाने के लिए सभी लोगों से हम निवेदन करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो वार्ड सदस्य लोग आप जरूर पहुंचिए। इनका नंबर है 99 73 49 73 13। आप इस नंबर पे बात कीजिए और इनके, हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जितने भी संघर्षशील साथी है आप हमें जरूर बताइए, आपके संघर्ष के बारे में हम पूरे बिहार के वार्ड सदस्यों को बताएंगे। तो इन्हीं के द्वारा एक फिर हमने कॉल और मैसेज आया कि हम भी यानी कि वार्ड सदस्य के लिए समय समय पर इस प्रकार के मुद्दा और सारे चीजों का इन्होंने वीडियो और फोटो हमको दिखाए, समय समय पर पेपर के लिए यानी कि किस प्रकार से पेपर कटिंग में किस प्रकार से इन्होंने वार्ड सदस्य के लिए हक और अधिकार पे बात किए हैं। और जान लीजिए आज इनके द्वारा जब 1 सितंबर 2022 को जब महाधरना की आयोजन किया गया है ना, हम इतना जरूर कहेंगे कि दरभंगा साइड के जितने भी वार्ड सदस्य संघ है, चाहे उसके अगल बगल जिला के जितने भी वार्ड सदस्य संघ है जो इनके नजदीकी में पड़ते हैं, वे लोग वहां पे जरूर पहुंचे और इस धरना को सफल बनाए और इनका ज्यादा से ज्यादा हाथों को मजबूत करें, ताकि ये जो है ना वार्ड सदस्य के अलग अलग मुद्दों पर जो हमेशा मांग रखते हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर के जो लड़ाई लड़ते हैं, तो इनमें आपका भी भागीदारी साथ होना जरूरी है, जान लीजिए। इसीलिए हम जितने भी हमारे साथी हैं उनसे हम यह आग्रह करेंगे कि आप जरूर वहां पर पहुंचे। जान लीजिए यह
धरना के लिए इनको जो है ना, यानी कि डीएम साहब का आदेश हो चुका है कि डीएम साहब के आदेश, जान लीजिए किसी भी जिला में, और जान लीजिए अगर आप किसी भी अन्य जिला से है, अगर आप इस प्रकार के धरना और इस प्रकार के जो है ना फ्लैग मार्च के द्वारा अगर आप सरकार के अपने अंदर की भावना को उगाही करना चाह रहे हैं, तो जान लीजिए इसका जो है ना आप इनसे संपर्क करके इनसे इस प्रकार का डिस्कशन और डिसीजन ले सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि आप हमेशा एक दूसरे से सीखने का प्रतिक्रिया करते हैं, और जब तक एक दूसरे से नहीं सीखिएगा तब तक आपको जो है ना अंदर में इस प्रकार के जज्बात नहीं आएगा क्या चीज का, तो एक दूसरे के सेवा करने का अपने हक और अधिकार पे लड़ने के लिए। तो हम इतना जरूर कहेंगे कि आप इनसे जरूर बात करके एक बार देख सकते हैं अगर आपके हक और अधिकार की बात करनी है। जान लीजिए डीएम साहब से इनका आदेश हो चुका है, और उसके बाद जो डीएम साहब से यह भी आदेश हो चुका है कि जब धरना स्थल पर फिर से फ्लैग मार्च करते हुए पोलो ग्राउंड में पहुंचेंगे तो वहां पे सभा किया जाएगा। तो उस सभा के लिए डीएम साहब के आदेश हो चुका है कि उस सभा में आप माइक चाहे कोई भी साउंड का प्रयोग कर सकते हैं। जान लीजिए इसीलिए हम सभी साथियों से विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि आप जो है ना राजीव कुमार मणि जी का साथ दीजिए, क्योंकि ये वार्ड सदस्य के हर मुद्दों पे बात किए हैं, वार्ड सदस्य के जो हो रही समस्याओं पे यानी कि हर संभव इन्होंने साथ निभाने का काम किया। इसीलिए अगर आज इनको नौबत आई है तो आप इनका साथ दीजिए, कल होकर के आपको ये हर संभव साथ देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए।